प्रदर्शनी में उत्तराखंड के उत्पादों का भी स्टॉल लगाया गया है। उत्तराखंड के नोडल अधिकारी उपनिदेशक उद्योग विभाग डॉक्टर MS सजबाल ने बताया कि उत्तराखंड के उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में उत्तराखंड राज्य के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहां ऊनी स्कार्फ, डूडी शॉल, पिथौरागढ़ के ऊनी कारपेट, केदारनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों की काष्ठ प्रतिकृति, नैनीताल की ईपण, उधम सिंह नगर की मूंज घास के उत्पाद, बागेश्वर के ताम्र उत्पाद, प्राकृतिक फाइबर जैकेट प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान बिच्छू घास की बनी जैकेट भी विशेष तौर पर यहां पर दर्शाई गई है। जंगलों में उगने वाली बिच्छू घास, जिसे स्थानीय लोग कंडाली के नाम से जानते हैं, उससे उत्तराखंड में जैकेट, शॉल, स्टॉल, स्कार्फ और बैग के तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर की महान जनता को, बागनाथ जी की भूमि को, बैजनाथ जी की भूमि को प्रणाम करता हूं। वहां के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और चौथे चुनाव के बाद पांचवा उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों की जीत है, उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है और कहीं न कहीं उत्तराखंड की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जिस प्रकार से काम कर रही है, बागेश्वर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम प्रतिबद्ध होकर बागेश्वर क्षेत्र के अंदर जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के द्वारा अनेकों अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया था, उनको श्रद्धांजलि के रूप में उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। हम पूरी तरह से मैं कहूं कि हमारी प्राथमिकता रहेगी बागेश्वर हर क्षेत्र से तरक्की करे, विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पार्वती दास जी जो विजयी हुई हैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ।